आइए अब हम आपको उत्तर बिहार के प्राचीनतम मंदिरों में से एक माँ चंडिका भवानी के मंदिर में ले चलते हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में यह महाराजा विराट की राजधानी थी, इसीलिए इसका नाम विराटपुर पड़ा। कहते हैं पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ यहां अपने अज्ञातवास के दिन बिताए थे। 51 शक्तिपीठों में से एक है ये मां चंडिका भवानी। कहा जाता है कि माता सती की शीश कटकर यहां पर गिरी थी, इसीलिए शक्तिपीठों में यह स्थान अधिक दर्शनीय है। आज भी माता चंडी भवानी के गर्दन से ऊपर के ही भाग के दर्शन यहां होते हैं। माता का दर्शन करने के लिए आज भी लोग बाग दूर दूर से यहां पर आते हैं। मां चंडिका भवानी के दिव्य मुखारविंद का दर्शन कर लोग अपने को धन्य और सौभाग्यशाली समझते हैं। ऐसी महिमामयी चंडिका भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सहरसा जिला के सोनबरसा प्रखंड में यह प्राचीन स्थान विराजमान है। सहरसा महेशखूंट मार्ग पर अवस्थित इस स्थान की सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह मंदिर उत्तर मध्य काल का बना हुआ है। इसमें देवी के गर्दन के ऊपर का हिस्सा बड़ा ही दिव्य एवं दर्शनीय है। इस क्षेत्र का पुरातात्विक सर्वेक्षण वर्ष 1872 ईस्वी में पाश्चात्य पुरातत्वविदों के द्वारा किया गया था। इसका प्रतिवेदन प्रेसिडेंशियल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित है। इस मंदिर के परिसर में एक प्रस्तर द्वार स्तंभ पर अभिलेख उत्कीर्ण है। इस अभिलेख में बुद्धेश के वंशज राजा सर्वसिंह का नाम लिखा है। मंदिर में प्रकृति की अद्भुत और मनोहारी दृश्य दर्शनीय है। इस दृश्य को देखकर जीव और ब्रह्म की सत्ता का ज्ञान आपको अपने आप होता है। इस पेड़ का जड़ सूख चुका है, लेकिन टहनी ऊपर से जमीन में आकर पुनः इसे जीवन प्रदान किया है। यहाँ आने वाले आध्यात्मिकों को यह पेड़ अपने आप अपनी सारी कथा कहती प्रतीत होती है। इस स्थान में आने वाले यात्रियों के स्नान के लिए एक तालाब भी है, यह जीवज पोखर है। ऐसी मान्यता है इसे दैत्यों ने खोदा था। इसमें स्नान करके जो व्यक्ति अपना वस्त्र त्याग देते हैं उनकी औलाद सहित सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं इस विशाल मंदिर का जीर्णोद्धार राजा भीम सिंह ने करवाया था। यह द्वार रानी दुलारी देवी की स्मृति में बनाया गया है। इस मंदिर के पुजारी का कहना है पूजा पाठ दोनों संध्या भोग आरती करता है, माला मन के जीरा होता है। ये जीवच जो है ये जीवच मनुष्य का खोदा हुआ नहीं है, ये दैत का खोदा हुआ है। यही मांझा महिला के लिए सबसे श्रेष्ठ है, इसमें स्नान करने के बाद निसंतान नहीं जाती है। मंदिर की देखरेख मंदिर ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। इस मंदिर के सचिव मदन प्रसाद सिंह का कहना है पुराना मंदिर है, 350 बरस पहले इसका बनाने वाले विराट राजा थे, जो अभी उनके जो वंशज हैं गंधवरिया वो यहाँ चार गांव में बसे हुए हैं। हमारी कमेटी भी जो बनी हुई है वो चार गांव के इसमें सदस्य हैं, ननेती, मंगवार, सहसौर और विराटपुर। जितना अधिकार मंदिर विराटपुर के वजह से जो नाम बोला जाता है जो विराटपुर है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार सहसौर, ननेती और सहसौर का भी, और इसका न्यास भी जो बना है उसमें भी वो लोग हैं, इसका गिर्ड जो बना है उसमें भी वो लोग हैं, और उसके बाद हमारी कमेटी न्यास की परमिशन से बनती है जिसका हम सचिव हैं। यहाँ जो कामना करता है
उस दृष्टि से जो सत्य की सिद्ध पीठ है उस मनसा से जो आता है उसका कामना पूरा हो रहा है। आज तक हम भी 65 वर्ष के हो गए, जो देखते हैं, जो देखते चले आ रहे हैं, वो जो आता है उसका काम हो जाता है। यहाँ आए श्रद्धालुओं के लिए एक ग्राम मेला का भी यहाँ आयोजन किया जाता है। इस मेले से श्रद्धालु प्रसाद बद्धी एवं अपने बच्चों के लिए खिलौने आदि खरीद कर ले जाते हैं। वैसे ऐसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण स्थान का जितना विकास एवं प्रसार होना चाहिए वह नहीं हो सका है। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा सारी व्यवस्था की जाती है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और अपने विभिन्न संस्कारों को संपन्न करके माँ चंडिका भवानी से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसी माँ चंडिका भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दर्शक बंधु, अगले यात्रा में MI मीडिया यानी मोबाइल इंडिया आपको और भी कई प्राचीन तीर्थ स्थानों का दर्शन कराएगी, जिसका पुण्य लाभ आप घर बैठे उठा सकेंगे। तो देखना और खरीदना ना भूले। भारत की गोद में, परमात्मा की खोज में।